यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इसका वैल्यू हम लोग ट्रिक के द्वारा निकालने वाले हैं। वैल्यू क्या निकालना है? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मतलब इसका महत्तम मान क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा। देखिए अगर मेथड से बनाएंगे आप तो काफ़ी समय लगेगा। जैसे एक क्वेश्चन इसमें से हम पिक करते हैं, मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन है ये, तो तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका जो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा बताइए। देखिए इसको भी हम टेक्निकली ऐसे लिख सकते हैं क्या, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन टू, देखिए क्या हो गया वन बाई टू, और देखिए यहाँ पे साइन टू एक्स का ये फार्मूला हो गया। अब सुनिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, बिल्कुल मेथड से बना रहे हैं, समझिए साइन टू एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वह वन होता है, मिनिमम कितना होता है माइनस वन होता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, सब में दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन बाई टू, उसके बाद वन बाई टू साइन टू एक्स और क्या हो गया वन बाई टू, तो देख रहे हैं हम लोग कि मैक्सिमम वैल्यू वन बाई टू हो गया, मिनिमम क्या हो गया आपका माइनस वन बाई टू। तो आप बताइए यहाँ पे पावर वन है यहाँ पे वन है, तो आराम से निकाल दिए। अगर पावर क्या हो ज़्यादा हो, मतलब कि जैसे यहाँ पे दो चार भी दिख रहा है आपको, तब क्या होगा, इसके लिए ट्रिक समझना काफ़ी जरूरी। अब यहाँ पे देखिए ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक समझिए ध्यान से, बड़े प्यार से ट्रिक को समझना है। यहाँ देखिए जब भी क्या हो क्वेश्चन इस प्रकार से हो, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का होल पावर एन ऐसे हो, तो देखिए इसमें करना क्या है आपको, देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ट्रिक याद रखिएगा वन बाई टू का होल पावर एन ऐसे कर देना है, इसको ऐसे लिखिए चाहे वन बाई टू के पावर एन लिखिए। लेकिन मिनिमम में देखिए, मिनिमम में क्या है यहाँ पे लोचा है, मिनिमम में क्या है कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एन देखिए, एन अगर इवन रहेगा इवन तो आंसर होगा जीरो, और एन रहेगा ऑड, क्या रहेगा ऑड रहेगा तो आंसर होगा माइनस वन बाई टू के पावर एन, मतलब ऐसे लिख सकते हैं क्या कि वन बाई टू के पावर माइनस में एन लगा देंगे यहाँ पे, माइनस यहाँ लग जाएगा। तो अगर मिनिमम की बात होगी तो दो को मान आ सकता है, जीरो भी आ सकता है और ए भी आ सकता है, और मैक्सिमम की बात होगी तो क्या होगा, हमेशा इस फार्मूला को अप्लाई करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे बोलिए यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम बोलिए क्या होगा, तो वन बाई टू, देखिए दोनों का पावर सेम है ना, तो वन बाई टू के पावर टू कितना होगा वन बाई फोर। मिनिमम क्या होगा, मिनिमम जरा देखिए, मिनिमम इवन है कि ऑड है, पावर इवन है कि ऑड है, इवन है आंसर हो जाएगा जीरो। यहाँ देखिए मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम हो जाएगा वन बाई दो के पावर तीन, मतलब वन बाई दो के पावर तीन वन बाई एट, एट हो गया। और मिनिमम कितना होगा बताइए, पावर ऑड है कि इवन है, पावर है ऑड तो क्या होगा, यही चीज होगा लेकिन माइनस लगा के होगा, माइनस लगा के होगा राइट, यही चीज होगा लेकिन माइनस लगा के होगा। इसका देखिए, इसका इसका मैक्सिमम कितना होगा, तो ये देखिए वन बाई टू के पावर यहाँ पे वन वन है वन, तो वन बाई टू टू हो गया। मिनिमम कितना होगा, तो यही चीज होगा लेकिन माइनस लगा के होगा। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि ट्रिक, ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है इससे बताइए मैक्सिमम क्या होगा, वन बाई टू के पावर फोर एक बटा सोलह। मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम हमने क्या देखा, यहाँ पे पावर इवन है आंसर जीरो हो जाएगा। तो मैक्सिमम भी समझ सकते हैं, मिनिमम भी समझ सकते हैं, ट्रिक ऐसे देखना पड़ता है, और ट्रिक नहीं रहेगा ना तो काम आसान नहीं होगा। तो ट्रिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और इसका ना फिजिक्स में काफ़ी यूज है, मैथमेटिक्स में काफ़ी यूज है, सब कुछ आसान लगेगा आपको, बस बात को समझते चलना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।